अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जानदार चीज़ों की जो बॉडी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ सिस्टम्स पर मुश्तमिल होती है। यानी उनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके थ्रू खुराक को हज़म किया जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है जिसके ज़रिए सांस लिया जाता है, एंड इम्यून सिस्टम होता है जिसके ज़रिए बीमारियों से जो है बॉडी हमारा अपने आपका जो है दिफा करती है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है जिसके ज़रिए जो ब्लड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फ़्लो करता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है डिफरेंट सिस्टम्स पर मुश्तमिल होती है। अब ये तमाम सिस्टम जो है मिलकर जो है एक पूरा ऑर्गेनिज़म बनाते हैं, एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। तो इसी तरह आज हम लोग एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को जो है एक तरह से ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, यानी कि निज़ाम दिफा जो होता है उसका हिस्सा होता है या पार्ट होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़ एंड लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये मुश्तमिल होता है लिम्फेटिक टिश्यूज़ पर एंड लिम्फेटिक वेसल्स पर। अब टिश्यूज़ जो है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं। अब ये सिस्टम जो है लिम्फेटिक टिश्यू वो लिम्फेटिक वेसल्स पर मुश्तमिल होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, कंप्राइजिंग अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ डायरेक्शनली टूवर्ड द हार्ट। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक अहम हिस्सा होता है, उसके अलावा इम्यून सिस्टम का भी एक अहम हिस्सा होता है। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, हिस्सा होता है। कंप्राइजिंग अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, एंड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है लिम्फेटिक वेसल्स का एक जाल मौजूद होता है, एक नेटवर्क होता है जिसमें जो है एक फ्लूइड फ्लो करता है, जिस फ्लूइड को लिम्फ्स कहा जाता है। अब ये लिम्फ जो है हमारे हार्ट यानी दिल की तरफ जो है इसका इसकी डायरेक्शन होती है, यानी हार्ट की तरफ फ्लो करता है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स वेसल्स एंड टिश्यूज दैट मूव अ कलरलेस फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ बैक टू योर ब्लड स्ट्रीम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये नेटवर्क होता है, जाल होता है ऑर्गन्स वेसल्स एंड टिश्यू का, यानी इन तमाम से जो है मिलकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। एंड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है एक कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस कलरलेस फ्लूइड को लिम्फ बोला जाता है। एंड ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ये लिम्फ जो है दोबारा से ब्लड स्ट्रीम की तरफ फ्लो करता है, यानी खून की नालियों की तरफ फ्लो करता है। दिस सिस्टम इंक्लूड द बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल, ये तमाम ऑर्गन हैं जो कि मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। स्प्लीन इज़ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्प्लीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है बॉडी का। अब ये तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, तमाम ऑर्गन्स जो हैं मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो है डिफरेंट ऑर्गन्स शामिल होते हैं। फर्स्ट है एडिनॉइड, टॉन्सिल्स, थाइमस, जो कि ये एक ऐसा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो कि हमारी जो हार्ट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी इसकी जो वो पोजीशन होती है वो अबव द हार्ट होती है। उसके बाद स्प्लीन है, ये भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्प्लीन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, यानी सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। उसके अलावा बोन मैरो, जो बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोन मैरो बोला जाता है। ये बोन मैरो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट हैं। अब ये बोन मैरो जो है इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होती हैं, क्योंकि अब लिम्फेटिक सिस्टम भी इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए बोन मैरो भी जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती हैं। ये बोन मैरो जो है इनके अंदर जो है प्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है वाइट ब्लड सेल्स की, यानी जो
वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये जिनको WBCs कहा जाता है, वो बोन मैरो ही बनाती है। उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स, यानी ऐसी वेसल्स, ऐसी नालियाँ जहाँ जिनमें जो है लिम्फ फ्लो करता है, उनको लिम्फेटिक वेसल्स बोला जाता है। एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी ऑर्गन होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। इसके अलावा लिम्फ नोड्स जो होती हैं, यानी लिम्फेटिक वेसल्स जिन नोड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, उसको लिम्फ नोड बोला जाता है। एंड ये लिम्फ नोड भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ये लिम्फेटिक सिस्टम को बनाते हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम की हमारी बॉडी में क्या काम होते हैं या क्या फंक्शंस होते हैं। द मेन रोल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड मैनेजिंग द फ्लूइड लेवल इन द ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसका एक रोल या एक फंक्शन ये भी है कि ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैनेज करता है, यानी उसको जो है प्रॉपर, उसका लेवल जो है प्रॉपर होता है हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिंग टू बैक्टीरिया। उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल जो है हमारी बॉडी पर अगर कोई पैथोजन या बीमारी पैदा करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, अगर वो हमारी बॉडी पर अटैक कर दे तो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो इन बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है, यानी उनको जो है डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। थर्ड है डीलिंग विद कैंसर। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो है कैंसर सेल को जो या वो सेल जो कि ऐसे सेल्स जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है जिनमें, तो उनको कैंसर सेल बोला जाता है। अब ये सेल्स जो है ये जो है फंक्शन अपना सही परफॉर्म नहीं कर सकते कैंसर सेल, क्योंकि कैंसर सेल में जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, यानी प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं होती, तो कैंसर सेल्स को भी जो है डिस्ट्रॉय करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है डीलिंग विद सेल प्रोडक्ट दैट अदरवाइज कुड रिजल्ट डिजीज और डिसऑर्डर। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो सेल के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर जो कि फंक्शन लेस होते हैं, ये जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जो कि बीमारियां या ख़राबियां पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, तो ऐसे सेल प्रोडक्ट्स को भी जो है उनके साथ भी डील करता है, उनको भी बॉडी से रिमूव करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। फिफ्थ है एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द फैट्स इन आवर डाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। उसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उनमें जो हमारी डाइट यानी हमारी ग़िज़ा में जो जितना भी फैट्स होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये तमाम जो है फंक्शंस होते हैं या रोल्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फेटिक सिस्टम की क्या अहमियत है। प्रोटेक्टिंग योर बॉडी अगेंस्ट इन्वेडर। लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी को इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ जो है हमारी बॉडी की हिफाजत करता है। अगर यानी कि बाहर से कोई भी पैथोजन या बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म बॉडी पर अटैक कर लें तो उन इन्वेडर्स को जो है हमारी जो है बॉडी पर अटैक करने से बचाता है हमारी बॉडी को, यानी उनको जो है डिस्ट्रॉय करता है एंड हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, मींस हिफाजत करता है। योर लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। अब जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारी इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है, यानी कि ये दोनों सिस्टम जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। एंड इट प्रोड्यूस एंड रिलीज लिम्फोसाइट्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर इम्यून सेल्स। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये लिम्फोसाइट्स एंड अदर इम्यून सेल्स को भी पैदा करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। अब लिम्फोसाइट्स जो है ये एक किस्म के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको WBCs भी कहा जाता है। अब लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो है हमारी बॉडी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ख़ास तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इम्यून सेल्स जो बाकी सेल्स होते हैं वो भी जो है प्रोड्यूस करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फोसाइट्स भी जो है एक तरह के इम्यून सेल्स होते हैं, लेकिन ये ख़ास तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उसके अलावा जो अदर इम्यून सेल्स होते हैं जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, नेचुरल किलर सेल्स है, इनको हम लिम्फोसाइट्स नहीं बोलते, इनको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं। तो ये तमाम सेल्स जो है इनकी प्रोडक्शन जो है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। एंड उसके अलावा ये रिलीज भी जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ही करता है। दीज सेल्स लुक फॉर एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स। अब ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं एंड वाइट ब्लड सेल जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को दिफा करते हैं, तो ये सेल्स जो है
जो कोई भी एनिमी होता है या कोई भी इन्वेडर होता है जो कि ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो उनको ये सेल्स जो है इम्यून सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स उनको जो है उन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या किल करते हैं, सच एज़ बैक्टीरिया वायरसेस पैरासाइट्स एंड फंजाई दैट मे इंटर यूअर बॉडी। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स है, फंजाई है, जो कि हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, जो कि इन्वेड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स से जो है ये सेल्स जो है लिम्फोसाइट एंड इम्यून सेल्स जो है हमारी बॉडी को हिफाजत करते हैं और इन तमाम डेंजरस जो पैथोजन्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वायरसेस पैरासाइट्स इन वगैरह इन तमाम को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं ये इम्यून सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड होती है, इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी सिस्टम है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती अगर हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद ना हो। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल जलीस अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।